बात कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि पानी खराब है क्यों भाई? दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो भाई साहब आज हम थोड़ा अलग से टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा जानकारी योग्य। तो हम अभी कॉलेज से निकल के जा रहे थे तो हमें पता चला, पता क्या, यहाँ पे एक तालाब है। अभी आपको सब बताते हैं कहाँ पे। कॉलेज से हमारे पिपलानी और पिपलानी पेट्रोल पम्प के बीच में, तो वहीं पर एक तालाब है, काफ़ी गंदा तालाब है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक है ये तालाब, और इसकी गंदगी इतनी बेकार है कि इसका पानी वहाँ पे जाके कपड़े वगैरह धुलते हैं जो शादियों में यूज़ होते हैं, टेंट वगैरह वहाँ पे टंगे भी हैं, और काफ़ी गंदगी है इसमें, स्वच्छता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। लोकेशन मैंने बताई है कि हमारे कॉलेज से, यानी कि वो पिपलानी पेट्रोल पम्प है ना, और पिपलानी जो थाना है उसके बीच में ही पड़ता है ये सारंगपणी, ये जो है ना पार्क गार्डन भी, हाँ सारंगपणी पार्क नाम करके है। ये भी अव्यवस्थित रूप से फैल गया है, इसमें ये पता नहीं क्या था, फाउंटेन था और सारा अव्यवस्थित, पता नहीं क्यों, या फिर इसका भी रिनोवेशन होगा। लेकिन इस सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस ऊपर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बड़ा करती, मतलब बड़ा बनाती हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम एक सही दिशा में पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी गंदगी है, आप देख सकते हैं ये माला फूल वगैरह, हाँ मतलब इस तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता, कहीं भी फेंक देते हैं या फिर कचरे को ऐसी जगह फेंके कि पानी में ना जाए, क्योंकि उससे पानी प्रदूषित होता है और प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, और जो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। ये देखिए बिल्कुल पानी बेकार ही है, मतलब ब्लैक ब्लैक ही है, इसको आप किसी भी उपयोग में नहीं ले सकते, कपड़े धोने में भी नहीं ले सकते और नहाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। ये देखिए कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, ये मछली बीन रहे हो, इसमें है मछली, क्या बात कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि पानी ख़राब है क्यों भाई? भाई ऐसा मत करो, ये पानी गंदा है, इसको उपयोग में मत लेना। अरे गंदा पानी है भाई, ये दिख नहीं रहा कितनी गंदगी है इसमें आसपास, हो तुम इसी पानी कहाँ ले जा रहे हो? हाँ अच्छा मछली के लिए, हाँ फिर ठीक है, बट इसको और उपयोग में मत लेना। तालाब में कितना गंदा है, यहाँ पे देखा कितनी गंदगी है, सारा कुछ कचरा जो भी रहता है ना, और इस तरफ देखा, हालांकि इसमें सीढ़ियाँ वगैरह बनी है, लगता है कि ये पहले उपयोग होता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं और कितनी सारी गंदगी है, यहाँ पे बीच में एक फाउंटेन भी है, मतलब फव्वारा टाइप का, वो भी बंद है, और उस तरफ देखेंगे तो बिल्कुल गंदगी गंदगी मिलेगी। इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन को विशेष तौर से इसको ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, और ये पार्क भी है, इसको भी पता नहीं क्यों बिगाड़ दिया गया है। ये ऊपर दिखा, तो प्लीज़ अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है तो इस तरफ ध्यान दिया जाए थोड़ा, क्योंकि इस तरह से हमारा जल प्रदूषण बढ़ता है और काफ़ी सारी बीमारियां फैलती हैं। तो जनता को जागरूक भी करना चाहिए इस संबंध में कि पानी को गंदा ना करें। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें, कचरा कहीं भी ना फेंकें, पानी को गंदा ना करें, पानी को बचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।